हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टार पंजाबी किचन में और मैं हूं सपना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल है बसंत पंचमी का फेस्टिवल, तो उसके लिए लेकर आई हूं मैं नई रेसिपी मीठे चावल की। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिए हैं मैंने बारीक वाले चावल और उसके साथ ही मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम जिन्हें मैंने अच्छे से काट लिया है बीच से, और इसके साथ ही मैंने लिए है यहाँ पर सूखी इलायची जो मैंने दो ली हैं और उसे मैंने बीच से कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक कप चावल लिया है माप कर, और मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। देखिए, यहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए हैं और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, एक कप ही पानी डालूँगी फ़िलहाल, सिर्फ मैंने इसे भिगोया है अभी। तो यहाँ पर लिया है मैंने दोस्तों यहाँ पर एक कुकर, और कुकर में मैंने डाले हैं दो बड़े चम्मच घी के, ये देसी घी है, आप देसी घी लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर और यहाँ पर मैंने केवड़ा एसेंस लिया है, ये ऑप्शनल है, कलर तो चाहिएगा लेकिन जो ये वनीला एसेंस है ये ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं, मैं सिर्फ इसे फ्लेवर के लिए यूज़ करूँगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा घी जो है वो मेल्ट हो चुका है, और इसके साथ ही मैंने डाला है यहाँ पर एक बड़ा चम्मच जीरे का, और इसे हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा ब्राउन करना है। और इसी के साथ मैंने डाल दी है यहाँ पे सूखी इलायची, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। और इसी के साथ मैंने डाला है यहाँ पर तेज़पत्ता, यहाँ पर मैंने दो तेज़पत्ते डाले हैं, आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने दो डाले हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाल दिए थोड़े से बादाम जिन्हें मैंने बीच से कट कर लिया था, और देखिए मैं अब अच्छे से इन्हें चला लूँगी, और इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इनमें ऐसे जैसे कि घी का फ्लेवर आ जाए, बस इतना ही इन्हें हमें पकाना है। दोस्तों, जब मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं तो यकीन मानिए इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और ये खुशबू हमें अपने मीठे चावलों में भी चाहिए। तो यहीं पे इसके साथ मैंने डाला है थोड़ा सा फूड कलर, मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर लिया है क्योंकि बसंत पंचमी का फेस्टिवल है तो उसमें येलो तो होना ज़रूरी ही है, आपको मालूम ही है। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैंने डाल लिया है दो कप पानी, क्योंकि हमारे चावल जो हैं एक कप है, तो मैंने यहाँ पर दो कप डबल उसका पानी ले लिया है, जिससे मापा था मैंने चावल को उसी कप से। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने चावल यहाँ पर वॉश करके रखे हुए हैं, ये पानी में भीगे हुए थे, दो तीन वॉश करके मैंने इसे अच्छे से ले लिया है, और अब मैं अपने चावल जो हैं वो कुकर में डाल दूँगी थोड़े थोड़े करके। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिए हैं, यकीन मानिए दोस्तों कुकर में चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और अच्छे से पक भी जाते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ से तीन और चार ड्रॉप मैंने डाली हैं इसमें केवड़ा एसेंस की। दोस्तों, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं, आपने सूखी इलायची डाली है वो अपना काम कर देगी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं एक कप चीनी, ये मैं छोटा कप ले रही हूँ, ये मैंने छोटा कप इसमें चीनी का डाला है, आप छोटी कटोरी में आप के डाल सकते हैं, बस हमें इतनी चीनी भरपूर है, हमें ज़्यादा चावल मीठे नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही डालूँगी। तो चलिए दोस्तों, हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ें अच्छे से मिला ली हैं, और बस अब हमें क्या करना है कि कुकर को करना है बंद, और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर सिर्फ एक सीटी लगवानी है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर करोगे तो इसमें तीन चार सीटी लगेंगी, लेकिन अगर हम मीडियम फ्लेम पर करोगे तो एक सीटी ही इसमें बहुत है। तो ये देखिए, मैंने कुकर कर दिया है बंद, और यहाँ पर लगवा लूँगी मैं एक सीटी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सीटी लग चुकी है और हमारे जो मीठे चावल हैं कैसे खिले खिले बने हैं, और मैं आपको इसे प्लेट में निकाल के भी दिखाऊंगी। तो देखिए, चलो हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, एक एक दाना चावल का खिला खिला है, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपके बसंत पंचमी के फेस्टिवल को तो ये बहुत ही बढ़िया बनाने वाले हैं, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है, और बच्चों को क्या, ये तो बड़ों को भी पसंद आने वाला है। जो जो चीज़ इसमें हमने इस्तेमाल की हैं उस हर एक चीज़ का फ्लेवर इसमें आता है, जैसे बादाम है, तेज़पत्ता है, और
जो इसमें सूखी इलायची है उसका भी इसमें फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा आता है। तो दोस्तों इस बसंत पंचमी पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़ा केसर भी डाला है, आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारे चावल कितने परफेक्टली कुक हुए हैं और कितने टेस्टी ये बने होंगे, आप इसका अंदाज़ा इनको देखने से ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेसिपी बसंत पंचमी फेस्टिवल स्पेशल। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों फुल सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू सो मच।